देश और प्रदेश में महिलाओं पर लगातार हो रहे उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार महिला उत्पीड़न से जुटी घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसा ही एक ताजा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक सरफिरे आशिक ने एक युवती पर सरेआम तमंचा तान दिया। बता दें कि यह घटना विकासनगर के जीवनगढ़ चौक की है, जहाँ युवती से बहस कर रहे एक युवक ने अचानक युवती पर कारतूस से भरा तमंचा तान दिया। फिर दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और इस सरफिरे आशिक को पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को कारतूस से भरे अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये मामला एक लड़के को लेकर है, जिसमें कि लोगों द्वारा बताया गया कि एक लड़की जिसे कि लड़का परेशान करता था काफ़ी, जिसका कि रिश्ता हो चुका है, को लेकर आज आ रहा था, तो जिसने कि उसे एकांत में देखकर उतरकर उसको तमंचे की नोक पर, देसी तमंचे की नोक पर धमका रहा था, जिस बीच लोगों ने द्वारा उसे पकड़कर थाने ले आया। इनके द्वारा बताया गया कि यह लड़का इसे परेशान कर रहा था और आज तमंचे की नौकर उसे डरा धमका रहा था कि मुझसे बात कर ले या शादी करने के लिए, जो भी कर रहा था, जिसमें कि आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।